हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ नहाने, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने से पहले मुझे मशीन में कपड़े डालने हैं, पहले मैं वो डाली आती हूँ, फिर मैं जाती हूँ पूजा करने। मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए, अब मैं जा रही हूँ। जय माता दी, मैं पूजा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी पूजा हो गई है डन, अब मैं जा रही हूँ तुलसी जी को जल चढ़ाने। मैंने रख दिया अपना पानी गरम, मैं पानी पी के मैं आ गई हूँ नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग कोको, कोको यहाँ चल रहा है मेरा ब्लॉग, आज अपलोड किया है मैंने। अब मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, मैं दिखाती हूँ ये किसका इतनी बेसब्री से वेट कर रहा है। ये देखो कोको दिया आ गई कोको इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। कोको बात नहीं कर रही दीदी। मैंने रख दिया चाय बनने, अब मैं बना लेती हूँ परोठे। मैंने आटा लगा दिया है, मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर मैं सबको ब्रेकफास्ट देती हूँ। जब लड्डू गोपाल जी खा लेंगे, जब सबको ब्रेकफास्ट दे। लड्डू गोपाल जी का ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, मैं जा रही हूँ भोग लगाने, फिर मैं सबको देती हूँ ब्रेकफास्ट। जी का भी हो गया ब्रेकफास्ट रेडी, मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। ये लो दीदी खा लो कोको। मैं भी अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ, मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अब मुझे रेडी होना है और मम्मी का कॉल आया था। मम्मी ने बोला है कि अपने कपड़े रेडी कर लो, कल आज रात या कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हमें करनाल निकलना है। करनाल क्यों जा रहे हैं सब और क्यों वहाँ पर है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम क्यों जा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ। रेडी होके फिर मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं निकलती हूँ स्टूडियो के लिए। बाय, चल कितना इसका डेली का काम है, कोई भी नीचे उतरता है, ये साथ में जरूर जाता है। कोको ऊपर जा, कोको आने नहीं देता, ये ऐसे ही करता है। कोको ये जाने नहीं देता, ये मना कर रहा है, मत जाओ। गई अपने सलोन, अब मैं जा रही हूँ अंदर। फोन क्या कर रहा है? गई हूँ सलोन, अब मैं करा रही हूँ हेयर स्पा। मेरा हेड वॉश हो चुका है, मैं हेयर स्पा करा रही हूँ। मैंने आते ही इसलिए सलोन के अंदर की व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि क्लाइंट थे, कुछ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, तो इसलिए अब मैं हेयर स्पा करा रही हूँ। गाइस, मेरा हो चुका है हेयर स्पा डन। आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने सिल्की स्मूथ एंड शाइन हो गए हैं। आपको ये ऐसा हेयर स्पा कराना है तो आप विजिट करो आशी मेकओवर एंड एकेडमी, रोहिणी सेक्टर 5, नियर बाय मांटापुर स्कूल। और हेयर स्पा मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है, जो उसमें हेड मसाज होती है उसमें मुझे मज़ा ही आ जाता है। मैं सो ही गई थी, मज़ा ही आ गया, और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं हेयर स्पा से बाल, क्योंकि हम केमिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपका पता नहीं, बट मैं अब केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे बालों पे कलर हो रखा है। तो हेयर स्पा, केराटिन, ये मुझे कराना ही पड़ता है। और आप मेरे बाल देख सकते हैं। टाइम हो रहा है 5:15 और मेरे यहाँ पर अब चाय आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाओ चाय पी लो सब। हाय गाइज, मैं निकल गई हूँ सलोन से, मैं जा रही हूँ घर। घर जाके मुझे थोड़ा सा तैयारी करनी है, क्योंकि हम निकलेंगे रात को करनाल के लिए। मुझे काके लेने आ गए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं स्कूटी से नहीं आ सकती थी, वैसे मैं स्कूटी से आती हूँ। और मैं जा रही हूँ घर। हम रास्ते में रुक गए हैं। सेमिया वाली पट्टी है, सेमिया वाली पट्टी, हाँ, जो घूमू हुई होती है। वो नमकीन वाली पट्टी नहीं आती है, जैसे मूंगफली की पट्टी होती है ना, ऐसे नमकीन वाली पट्टी नहीं आती, नमकीन पट्टी नहीं है। इतनी बड़ी दुकान पे इनको सिर्फ वही पट्टी चाहिए है भाई, क्यों? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। पहुंच गए हैं घर। लो देखना कैसे कोको भग के आएगा। कोको पहचान गया है कि हम आ गए हैं, कोको भौंक रहा है। कोको ओले ओले मेरे भीत, कोको कोको पागल हो जाता है। कोको रुक जा, ओके बंद कर दो। हाय गाइस, हम निकल रहे हैं
करनाल के लिए, फिर मैं करनाल बोल रही हूँ, हमें निकलना है कैथल के लिए, करनाल से आगे कैथल है। अभी 2 बज रहे हैं, मैं सो गई थी, अभी उठे हैं हम, रेडी हुए हैं। हाय गाइज, हम बैठ गए हैं गाड़ी में, अब हम निकल रहे हैं कैथल के लिए। एक टेंशन हो रही है कि हम कोको को कहाँ छोड़े, देखते हैं, शायद बुआ जी के घर छोड़े या दीदी है एक उनके घर छोड़े। और ये देखो गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। ये 2 बज रहे हैं अभी, ये टाइम गाड़ी धोने का नहीं होता। इस बंदे ने गाड़ी धोई है, अभी दिखाती हूँ। निकल चुके हैं गाड़ी वाड़ी धो के, ड्राइवर हमारे अच्छे हैं। संभाल लोगे? अरे परेशान हो जाएंगे, किसी मजबूरी में परेशान तो नहीं होगे? बहुत ज्यादा हो जाएगी वहाँ पे, क्या कितनी भीड़ लगी होगी पूरा। हमने कोको को छोड़ दिया है भैया के पास, जो बड़े वाले भैया हैं, फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से। हम आ गए मूर्थल। क्या बनाया तुमने खाने के लिए? तुमने खुद आलू के पराठे खाए? क्या मंगाया तुमने? और आलू का पराठा नहीं मंगाया? वो तुमने मंगाया आलू का पराठा, बता दो दीदी। कॉफी आ गई है हमारी, ये आ गया हमारा पराठा, बहुत फेमस पराठा है ये, पता नहीं क्या आई है इसमें। काका पराठा, काका पराठा, समझे तो मैंने क्या बोला? काका पराठा। मैं तो पराठा थोड़ी, मैं तो बहुत स्लिम हूँ। आप लोगों को ना खा के बताती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को खाना नहीं आता, तो मैं सबसे पहले खा के बताती हूँ। ये ऐसे लेते हैं मक्खन, आ जा, और ऐसा खा लेते हैं, बहुत एक नंबर बेकार। आ गई हमारी चाय, और जो अमीर लोग होते हैं वो पीते हैं कॉफी, काकी की कॉफी आई है, हम पीते चाय। ये आ गई मूर्थल की चाय, मैं टेस्ट कर रही हूँ कैसी है। एक नंबर, मस्त है। कहीं रुके और मिरर सेल्फी या मिरर वीडियो ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आ गए मूर्थल के वॉशरूम में, और ये बहुत जरूरी होता है। लड़के को बोला मुझे एक महंगा सा परफ्यूम गिफ्ट कर दो, और मुझे पैसे ये देके गए कि ले ले जो लेना है। मैं भैया से प्राइस पूछती हूँ, भैया एक किसी भी परफ्यूम का प्राइस बताना। कितने का? अच्छा फिर तो आ ही जाएगा जितना मेरा बजट। कितने पैसे देके गए थे तुम मुझे? 1400। और परफ्यूम कितने का है? 12000 का। शर्म आती है पैसे देते हुए भी? ₹200 नहीं है। मैं, तुमने मेरे को परफ्यूम नहीं दिलाया ना, मैं ₹200 नहीं देने वाली, मेरे को परफ्यूम दिला दो। हम निकल गए हैं मूर्थल से, और हमने ये कैंडी शॉप से देखो कितनी क्यूट क्यूट कैंडीज ली है। कहाँ जा रहे हैं हम? नानी हाउस जा रहे हैं। पहुंचते हैं कैथल गांव, अभी उतरते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूं। कैथल सिटी है, और मेरे को ये गांव गांव बोल रहे थे, खुद को कुछ पता नहीं अपने अपनी सिटी के बारे में। गाँव दीदी अभी क्या बोला था इन्होंने कि गाँव मेरा, हमारा गाँव आ गया, यही बोला था ना, खुद को पता नहीं है, मुझे बता रहे हो। हाय गाइस, मैं पहुंच गई हूँ कैथल में, अपना ब्लॉग यही एंड कर, अब मैं कैथल का टूर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी।